हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे 3ds मैक्स में व्यू क्यूब के बारे में। हम देख सकते हैं कि हमारे पास मैक्स में यहाँ पर चार व्यू पोर्ट आते हैं। हमने जैसा कि जाना कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप, फिर फ्रंट, ये लेफ्ट और एक पर्सपेक्टिव। इसी में हम देख सकते हैं कि सबसे ऊपर राइट हैंड कॉर्नर में ये एक बॉक्स आ रहा है, इसके इधर उधर एक सर्कल आ रहा है। हम सब में देख सकते हैं यहाँ पर, इसको हम व्यू क्यूब के नाम से जानते हैं। ये हमारे व्यू पोर्ट का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इट मीन्स कि ये जो क्यूब है ये हमारे व्यू पोर्ट की डायरेक्शन को दिखाता है। वहीं हम देख सकते हैं ऊपर की तरफ एक छोटा सा घर बना आ रहा है। ये एक व्यू पोर्ट का होम क्यूब होता है। इट मीन्स कि जो ये हमारा व्यू पोर्ट क्यूब है, इस क्यूब के हर तरफ अलग अलग डायरेक्शन होती है। मीन्स कि अगर हम इसकी ऊपर वाली डायरेक्शन पे क्लिक कर दें तो ये व्यू पोर्ट को पर्सपेक्टिव के टॉप से दिखाएगा, और अगर साइड में कर दें तो ये इसका फ्रंट दिखाएगा। इसी तरीके से इधर से लेफ्ट दिखाएगा, बैक दिखाएगा, या हम बोल सकते हैं राइट दिखाएगा। और अगर हम वापस अपने उस क्यूब पे आना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस छोटी सी हट पे क्लिक कर देंगे तो हम होम पे आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम किसी में साइड में देखना चाह रहे हैं तो हम साइड में क्लिक कर सकते हैं, ऊपर टॉप में, तो उसी के अकॉर्डिंग ये हमारे पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट की पोजीशन को चेंज कर देता है। आइए देखते हैं कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कि किस तरीके से ये हमारा क्यूब काम करता है। अभी हम देख सकते हैं अपने पर्सपेक्टिव व्यू में कि हमने यहाँ पर चार छोटे छोटे बॉक्स क्रिएट करे हैं, और अगर हम इसे टॉप से देखें तो हम अगर टॉप पे क्लिक कर दें तो हमें टॉप से दिख रहे हैं। हम फ्रंट में क्लिक कर दें तो हमें फ्रंट से दिख रहे हैं। अगर हम साइड में क्लिक करते हैं तो साइड से दिखाता है। थोड़ा सा टॉप बॉटम में क्लिक कर दें तो ये इस एंगल से दिखाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसे लेफ्ट से देखना चाहते हैं, बैक से देखना चाहते हैं तो ये बैक दिखाएगा। राइट साइड से देखना चाहते हैं तो राइट साइड दिखाएगा। टॉप देखना चाहेंगे टॉप, और अगर हम चाहते हैं कि अपने ओरिजिनल उसमें आ जाए तो हम इस छोटी सी हट पे क्लिक कर सकते हैं। इस छोटी से होम पे क्लिक करने के बाद हम देखेंगे वो अपने ओरिजिनल मोड में आ जाएगा। साथ ही अगर हम इस पे टॉप पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ ये दो एरो भी आ गए हैं। इट मीन्स कि अगर हम इस साइड डायरेक्शन में चलना चाहते हैं तो हम इस तरीके से इसकी डायरेक्शन को भी घुमा सकते हैं। अगर हम इधर को क्लॉकवाइज चलना चाहते हैं तो ये क्लॉकवाइज भी डायरेक्शन को दिखाएगा। इट मीन्स कि जस्ट एक लेफ्ट क्लिक करने से ये वही पोर्शन दिखाता है जहां पर हम क्लिक करते हैं। वापस से इसको होम पे ले आते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये व्यू पोर्ट होम क्यूब काम करता है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे 3ds मैक्स में व्यू क्यूब के बारे में।